हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर की सुपर टेस्टी सब्जी रेसिपी। ये बहुत हेल्दी होने वाला है क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा तेल यूज नहीं किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। उसमें हम डाल देंगे रिफाइंड तेल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल यूज किया है। अगर आपके पास रिफाइंड तेल ना हो तो आप सरसों तेल का भी यूज कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे जीरा, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, उसके बाद ढेर सारा प्याज। इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे, ताकि धीरे धीरे से पक जाए, क्योंकि यहाँ पे प्याज का पकना ही इस रेसिपी को टेस्टी बनाने वाला है। तो इस स्टेप को हमें स्किप नहीं करना। फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन कूट करके। मैंने यहाँ पर पेस्ट नहीं यूज किया, कूट करके मैंने यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मैंने यहाँ पे मिर्ची का मात्रा थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि ज़्यादा तीखा ना हो सब्जी हमारे। इस वजह से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए बिल्कुल इस तरीके से, तब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, धनिया पाउडर। इसको मैंने पानी में घोल करके यूज करा है ताकि यह जले ना और इससे अच्छा खुशबू भी आए। तो आप कभी भी हल्दी यूज करो सब्जी में तो आपको पानी में घोल करके यूज करना। फिर हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मैंने यहाँ पर कलर पाउडर यूज किया है, ये तीखा ज़्यादा नहीं होता इस वजह से। फिर हम यहाँ पे डाल देंगे चिकन मसाला। यही इसका सीक्रेट टिप्स था जो कि एकदम आपकी सब्जी में एक अलग ही टेस्ट लाने वाला है। तो जब ये आपका चिपकने लगे तो थोड़ा पानी ऐसे डाल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे, हमको चिपकने नहीं देना है बिल्कुल भी। फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऊपर से इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। आप नमक का क्वांटिटी यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आपको चिपकने नहीं देना। अगर आपका थोड़ा भी ये चिपकने लगे ना तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको बढ़िया से मिक्स कर दे ताकि चिपके ना बिल्कुल भी। आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि इसको हमें चिपकने बिल्कुल नहीं देना है। बीच बीच में आपको इससे चलाते ही रहना है। अगर ये चिपक गया तो फिर इससे टेस्ट जला जला आएगा, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। और आप इसे कभी भी पकाएं तो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना पकाएं। अगर हाई फ्लेम ही है तो आपको इसमें बीच बीच में इसको मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है। ये देखना आपको ज़रूरी है कि कहीं ये चिपक तो नहीं रहा। तो बस यही कुछ टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करें ताकि आपका भी सब्जी अच्छा से टेस्टी हो पाए। फिर हमने जो आलू उबाल करके रखा था मैंने यहाँ पे उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पर नए वाले जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं आलू, उसका यूज करा है। अगर आपके पास नए वाले नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वाले आलू भी अभी यूज कर सकते हैं जो मार्केट में आती है बड़ी साइज की। उसके बाद इसको अच्छे से हमें भून लेना ताकि मसाला इस आलू में लटपट जाए, एकदम से मिक्स हो जाए। अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है, बिल्कुल चिपकने नहीं देना। फिर हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे मटर। इसको मैंने रात भर के लिए भिगो करके रखा था। थोड़ा सा मैंने एक दो सीटी कुकर में लगा लिया था ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिक्स करके अच्छे से चला करके इसको ढक दिया है। देख सकते हैं थोड़ी देर ढकने के बाद कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ जा रहा है। एकदम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम इसको भून रहे हैं ताकि इसका टेस्ट और, आपको इसे चिपकने नहीं देना है वरना अगर ये चिपक गया तो जला जला टेस्ट आएगा। तो हमको इसको बीच बीच में से चेक कर लेना है। और जो टमाटर अच्छे से नहीं पिघला था उसको मैंने कलछी की सहायता से अच्छे से मिक्स कर करके मिला दिया है ताकि उसका अलग से पीस ना दिखे। आप कोशिश करें यहाँ पे कि टमाटर का पीस जो है थोड़ा छोटा ही ले ताकि वो अच्छे से घुल जाए। अगर आप चाहें तो मिक्सी जार में थोड़ा सा इसको पेस्ट बना करके भी यूज कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। और यहाँ पे मैंने जो मैंने बताया आपको जो चिकन मसाला मैंने डाला हुआ था, फिर हम अच्छे से भून करके इसमें डाल देंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसको मिक्स करते जाना। और यहाँ पे जो मटर का पानी बचा हुआ था एक्स्ट्रा, उसको मैंने डाल दिया है। आप उसको फेंके ना, वो भी यूज हो ही जाएगा आपका इसमें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम इसमें पानी डाल दिए और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। इससे ना फ्रेंड्स इसका टेस्ट ना दुगना हो जाएगा। ये देखिए, तो कुछ टाइम पकाने के बाद हमने ढक्कन हटा लिया है और देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर है। तो हमने यहाँ
यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करा था क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाएगा, तो इस वजह से हमने थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड करा था। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ढेर सारी धनिया पत्ती। तो तैयार है हमारी झटपट बन जाने वाली बहुत ही हेल्दी आलू मटर की सब्जी। तो इंजॉय करिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।